हाँ दादी, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? वापस फाइटिंग शुरू कर दी क्या इन दोनों ने? नहीं नहीं, फाइट नहीं कर रहे, हंस रहे उल्टा। मैं उनके कमरे के बाहर से बोल रही हूँ, तुम्हारी तरकीब काम कर रही है। दादी मैं भी आऊँ क्या वहाँ? नहीं नहीं, यहाँ मत आना। अगर इन दोनों ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो सारी पोल खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि तुम गुस्से होने की एक्टिंग कर रही हो। फिर नहीं सुधरेंगे ये दोनों, ना सुलह करेंगे ना एक दूसरे से अपने मन की बात करेंगे। तुम वहीं पर रहना। पर लेकिन आप भी वहाँ मत रहो, किसी ने देख लिया तो। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है आ जाती हूँ। ओके बाय। देखो तुम ये हंसना बंद करो वरना मैं कुछ शेयर नहीं करूंगा। मैं क्या करूं? तुम ही अगर ऐसे कार्टून की तरह इधर उधर नाचोगे तो डरपोक। क्या? क्या बोला? और ये जो तुम ये चिपकली और कॉकरोच के आगे बहादुरी दिखा रही हो ना, हिम्मत है तो अकेले में हॉरर मूवी देख के बताओ। हाँ हाँ बताओ कब देखने। मिस्टर रुद्राक्ष खुराना, आई लव हॉरर मूवीज। कॉलेज में मुझसे फ्रेंड शर्त लगाते थे, एंड गेस व्हाट, मैं अकेले हॉरर मूवीज देखती थी। बताओ कब देखनी है? Now I got it. इसीलिए तुम ऐसी हो। कैसी? ऐसी एकदम डरावनी चुड़ैल टाइप्स, और हरकतें भी तुम्हारी वैसी हैं, वैसी लड़ना, वैसी हंसना, चोरी, धोखा, मर्डर। अब कौन पर्सनल बातों का मिसयूज कर रहा है? हाँ ठीक है, अब ये टास्क खत्म करो और कितनी बातें हुई अकाउंटिंग भी याद रखना, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैं बहुत बुरा हूँ उस चीज़ में। अच्छा दूसरों की गलतियां तो बराबर गिनते हो। मैं मैथ्स सब्जेक्ट की बात कर रहा था, गणित बहुत कमजोर है मेरे, स्कूल में बहुत बार फेल हो चुका हूँ मैथ्स में। सीरियसली तुम मैथ्स में इतने वीक थे? हाँ तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, ये तो बहुत नॉर्मल है ना, बहुत बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं। हाँ वीक होते हैं, लेकिन मेहनत करके वीकनेस दूर भी की जा सकती है। मैं भी बहुत वीक थी, लेकिन मेरे अप्पा ने मुझसे बहुत मेहनत करवाई, सारे टेबल्स याद करवाए। मेरे अप्पा पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, यहाँ तक मुझसे स्कूल का एक भी दिन मिस नहीं करवाया। किसने बोला था तुझे म्यूजिक क्लास मिस करने को? बोल! मुझे म्यूजिक क्लास नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सिंगर नहीं बनना। क्या बोला तू? क्या बोला तू? तू सिंगर नहीं बनेगा, तेरी तो मैं चमड़ी उखेड़ के रख दूंगा, जान से मार दूंगा। वरना मेरे पापा, उनके लिए स्कूल पढ़ाई कुछ मैटर नहीं करता था, बस एक ही जिद थी उनकी कि मैं सिंगर बन जाऊं। बहुत मार पड़ती थी मुझे पता है, अगर पढ़ाई की वजह से मेरा सिंगिंग क्लास मिस हो जाता था। पापा की जिद ने बहुत कुछ दिया है मुझे, लेकिन उससे कई ज्यादा छीना भी है। बचपन तो जिया ही नहीं मैंने, और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरा मुझ में क्या है, पापा का सपना उनकी ख्वाहिशें पूरी करने का एक एक जरिया हूँ, एक मोहरा हूँ उनका, और कुछ भी नहीं। और जैसे चलाते जा रहे हैं मुझे, वैसे मैं चलता जा रहा हूँ, और आज तक यही हो रहा है। रुद्र, क्या हुआ, तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो? नहीं नहीं, नहीं। हम तो बस बातें कर रहे थे। ठीक है, इसलिए मैं तुम दोनों का खाना यहीं पर ले आई, बातें करते करते खाना खा लेना। वैसे कितनी बातें पता चली हैं अब तक? अभी तो तुम्हारा रेन कलर, तुम्हारा वो चिपकली और कॉकरोच वाला डर, तुम्हारी हॉरर मूवी वाली कॉलेज स्टोरी, तुम्हारी मैथ्स की वीकनेस। दो बातें, सिर्फ दो? आधा दिन बीत चुका है, वहाँ सारांश परेशान हो रहा होगा, बच्चे का तो ख्याल करो। अभी भी मूड खराब है? हाँ? तो क्यों? वो तुम्हारी बचपन की बातों को लेकर? नहीं है, I'm fine. तो सैड क्यों? मैं सैड नहीं हूँ। तुम सैड हो? मैं सैड नहीं हूँ। तुम सैड हो? नहीं हूँ। अच्छा तो फिर स्माइल करो। किस खुशी में? मेरा मूड खराब करने की खुशी में? हाँ इस बात में मैं कर सकता हूँ। अब तो मेरी नौटंकी बंद करो और अगली बात बताओ। वैसे मुझे एक बात बतानी है,
जो बात मुझे काफी टाइम से परेशान भी कर रही है, लेकिन तुम बताओ। बंटी की शादी में युवराज को मैंने नहीं बुलाया था, मुझे नहीं पता कि वो कैसे आया वहां। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम ऐसे ही रिएक्ट करते हो, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आज हम दोनों एक दूसरे को सच बता रहे हैं। उस दिन पार्टी में युवराज कैसे आया मुझे सच में नहीं पता, मैंने उसे नहीं बुलाया था। और वो माँ का हार, वो उसकी पॉकेट में कैसे गया मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं दिया था। किसने रखा है? किसने रखा मेरी जेब में यार? मैं क्यों चुराऊंगा हार? मैंने नहीं चुराया यार। तुमने नहीं दिया, तुम्हारे गले से निकाल दिया होगा उसने। गले से निकालता तो मुझे पता तो लगता। तो फिर वो हार उसकी पॉकेट में आया कहां से? मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे नहीं पता सच में, वेंकटेश्वरा की कसम। ठीक है। ठीक है क्या? तुम अभी भी गुस्से में बोल रहे हो। हाँ तो क्या करूँ, हंसूं या फिर तुम्हें थैंक्स बोलूंगी तुमने मुझे सच्चाई बता दी? थोड़ा टाइम तो दो ये सच्चाई डाइजेस्ट करने में। ओके, तो फिर तुम मुझे कोई और बात बताओ, लेकिन ये नफरत, गुस्सा, वीकनेस ये सब नहीं, कुछ अच्छी बात बताओ। मतलब कुछ ऐसी बात बताओ जिसे करके तुम्हें खुशी मिलती हो। सबसे ज्यादा खुशी वो तो एक ही चीज है, मुझे म्यूजिक कंपोज करना बहुत अच्छा लगता है। वाओ, तो कुछ सुनाओ अपना कंपोज किया हुआ। नहीं, इतना भी अच्छा कंपोज नहीं करता हूँ। अरे ये तुम कैसे बोल सकते हो, ये तो वही बता पाएगा ना जो सुनेगा। वैसे आज तक तुमने किसी को अपनी कंपोजिशन सुनाई है? भाई सुनते थे मेरी वाहियात से वाहियात कंपोजिशन और हमेशा इनकरेज भी करते थे, पर वो सब भी उनके साथ ही चला गया। जिससे तुम इतना प्यार करते हो उसे खो देने का दर्द मैं भी समझ सकती हूँ। मेरी अक्का महिमा, ये क्या कर रही हूँ मैं? अगर महिमा अक्का के बारे में इसे बताया तो कहीं इसे शक ना हो जाए कि सारांश अक्का का बेटा है। नहीं, सोच समझ के शेयर करना पड़ेगा मुझे, मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। अच्छा चलो, अब तुम्हारी टर्न, कुछ बताओ अपने बारे में। थैंक गॉड इसने महिमा अक्का के बारे में कुछ नहीं पूछा। चलो फाइनली काम पूरा हुआ, टास्क खत्म, 5 पर्सनल बातें शेयर कर ली हमने। चलो चल के सारांश को बताते हैं। मुझे एक और बात बतानी है। 5 बातें होगी ना, आप क्या बताना? लेट्स गो। वो एक्चुअली ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो सारांश और मेरे अलावा और किसी को नहीं पता, और अगर उसने वो बात तुमसे पूछी और तुमने उसे नहीं बताई तो उसे लगेगा मैंने कुछ शेयर ही नहीं किया और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बताओ। एक मिनट, क्यों लॉक कर रही हो? बनापुन क्या हुआ, कुछ बताओगे? बताना नहीं है, कुछ दिखाना है। दिखाना है? What do you mean दिखाना है? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? What are you doing? What? कॉलेज में शर्त लगी थी तो करवा ली।
तो बड़ी डेरी निकली piercing and all, sexy. I like it. लेकिन अब तुम किसी को बताओगे नहीं. देखो तुमने प्रॉमिस किया था. अब मुझे इसकी जरूरत नहीं. अब अगर तुमने मेरी पर्सनल बातें किसी को बताई तो यू नो व्हाट आई डू. हो गया, अब चले सारांश के पास. सदियों पुराना क्या अपना चलेंगी क्या बेगाना जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते रब के नवाजे होते.